तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टीज में आपने जैसे लास्ट प्रेजेंटेशन में भी देखा, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक और ज्वेट्रायनिक, ये तीन थे। इनकी बाकी डिटेल भी हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट फार्मूले आपकी रिवीजन के लिए। एनायनिक में डोडेसाइल सल्फेट और सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये दो आते हैं। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी चीज़ें एडअप हो चुकी हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। सी टैप है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसकी कैटेगरी में आता है। डोडेसाइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड। एनायनिक और कैटायनिक को हम ओवरऑल आयनिक भी कह देते हैं, कि आयनिक सरफेक्टेंट है का जब भी जिक्र आएगा तो उसका मतलब है कि ये एनायनिक और कैटायनिक दोनों की बात हो रही है। और जहाँ पर नॉन आयनिक की बात है कि वहाँ पर मोस्टली यही है जो पॉलीथिलीन ऑक्साइड्स हैं। इसका फार्मूला भी अगर आप एक्सटेंड करके भी देखेंगे, अभी मैं नेक्स्ट कोशिश करता हूँ पेपर पे बना के ना आपको, या कहीं मैंने नेट से मिलती पिक्चर इनके एक्सटेंडेड खुले हुए फार्मूले में आपको दिखा देता हूँ बना के। तो ये जो है इस तरीके से, ज्विट्राइनिक में आपने देखे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही उसमें एंड होते हैं। डोडेसाइल बिटेन है, इसमें आप अगर आप नाइट्रोजन पे देखें तो पॉजिटिव चार्ज है, और CH2CO नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दोनों ही इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा ये अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो इसमें भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दोनों मिलेंगे। तो ज्विट्राइनिक में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं, नॉन आयनिक में पॉजिटिव आयनिक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नहीं होते, और आयनिक में अलग अलग भी होते हैं, या पॉजिटिव एंड भी होता है और नेगेटिव एंड। तो इस तरीके से हम इनको, कैटायनिक आपको पता है पॉजिटिव को कहते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली। ये सी टाइप का जो फार्मूला, इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तीन, उसके साथ CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, और वो साल्ट फॉर्मेशन में ब्रोमाइड लगा हुआ है साथ। ठीक है, ये अलग है। मेरा ख्याल आपको थोड़ी सी शायद समझ आ भी गया, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप। तो इसी तरीके से ये दूसरा है, इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर ही है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से इसको कैटायनिक कहा गया। इसको एनायनिक इसलिए कहा गया क्योंकि सल्फोनेट ग्रुप है, SO4 ग्रुप, और इधर सल्फोनेट SO3 ग्रुप है, ऊपर सल्फेट ग्रुप SO4 और SO3, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये साल्ट फॉर्मेशन है। यानी कि जो साल्ट बना रहा है, अगर साल्ट फॉर्मेशन होती है, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें से सोडियम निकलेगा तो पीछे जो बल्की ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक है, इसलिए ये एनायनिक सरफेक्टेंट कहलाएगा। और इसी तरीके से ये बल्की ग्रुप है, ये अगर इस साल्ट फॉर्मेशन से अलग होगा, ब्रोमाइड अलग होगा, तो पीछे जो बचेगा बल्की ग्रुप वो कैटायनिक है। ठीक है, इसकी बेस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये एनायनिक है, ये कैटायनिक है। और नॉन आयनिक में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, ये ऑक्साइड है, ये दरमियान में ओ आर है, तो इसका भी ज्विट्राइनिक हो गया। अच्छा, सरफेक्टेंट प्रॉपर्टीज में जो हमने देखना होता है वो ये देखना होता है क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, इसका जिक्र किया था। ये एक ऐसी कंसंट्रेशन है, अगर आप इस ग्राफ में भी देखें तो ये एक लाइन खींची हुई है। अब इससे पहले और इसके बाद एंटायरली प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है सरफेक्टेंट की। यानी कि अगर आप सरफेस टेंशन की बात करें तो ड्रेस्टिकली एडिशन, जब कंसंट्रेशन उसकी बढ़ रही है सरफेक्टेंट की, तो कम हो रही है। लेकिन CMC क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन पे जब ये पहुंच जाएगा, तो उसके बाद ये मजीद सरफेस टेंशन को कम नहीं करेगा। सेम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद इतनी नहीं बढ़ती, कंपैरेटिवली थोड़ी सी उसका ग्राफ थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो। सेम टर्बिडिटी पहले नहीं होती, लेकिन बाद में क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन के बाद वो टर्बिड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनिक डाइज का मतलब कोई भी कलरिंग मैटर या जो हम उसमें से रिमूव करना चाहते हैं, किसी भी जिसमें से भी जितना हम चाहते हैं कि उसको ये पकड़ के ग्रैब करके तो हमारे उस सिस्टम से निकाल दे या उसको पकड़ ले, तो उसके CMC के बाद ही वो प्रॉपर्टी उसकी वो वाली भी बढ़नी शुरू होती है। तो ये CMC बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, डिटर्जेंट और सरफेक्टेंट की केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो ये है क्या समझ, सेल्फ असेंबल्ड सरफेक्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अगर आप देखें स्ट्रक्चर, उसने भी एक्सप्लेन किया था प्रेजेंटेशन में भी, तो ये आपके होते हैं जो, ये मैंने जो वही बनाया है जो हमारा रेगुलर एक माइसल फॉर्मेशन है जो स्फेरिकल फॉर्म में, ताकि आपको समझ आ जाए।
बाकी इसकी भी मुख्तलिफ शेप्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, वो भी आपको दिखा देंगे। अ शार्प ट्रांजिशन अकर इन मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज। बहुत से जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। जैसे आप दूसरा ट्रांजिशन स्टेट आप पढ़ते हैं रिएक्शंस में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो वो पहले एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को करने के बाद फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो वो भी एक पॉइंट आता है जहाँ पर बिल्कुल शार्प सा ट्रांजिशन फेज आती है। तो इसी तरह से सॉल्यूशन में भी ट्रांजिशन फेज एक होती है विच कोरस्पॉन्ड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर खुद ही बनता है, और क्यों बनता है उसकी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, और इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं मैं वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो वो बन जाती है सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर। द कंसंट्रेशन एट विच, अच्छा एक तो आपको पता है ये जो बात पहले भी हुई थी मैं जिसका जिक्र अभी याद है वो, एक इनकी हाइड्रोफिलिक, यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक इसका एंड है, ठीक है, और ये इसकी हाइड्रोफोबिक चेन है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक चेन है और ये हाइड्रोफिलिक उसका एंड है, और ये वो होता है आयनिक, अगर आयनिक की अगर आप बात करें तो ये वो वाला एरिया है जहाँ पर चार्ज उसका है स्पीशीज, और इसका सरफेस एरिया कितना है उस पर ये माइसल फॉर्मेशन डिपेंड करती है। इस हाइड्रोफोबिक चेन की लेंथ कितनी है, अगर इसको एक्सटेंडेड लेंथ कहें, अभी तो ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, अगर इसको खींच के सीधा किया जाए तो वो एल मैक्स कहलाता है, मैक्सिमम जो लेंथ है उसकी वो कितनी है। फिर इसका एरिया कितना है, यानी एक तो सरफेस एरिया इसकी बात हो रही है, इसकी जो इसका चार्ज ऊपर वाला हिस्सा हाइड्रोफिलिक एंड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसका एरिया और हाइड्रोफोबिक चेन का एरिया, इन दोनों की चीजों पे मैटर करती है माइसल फॉर्मेशन, और तीसरा इसका एरिया। एज एग्जांपल वैसे अगर आपको दें तो ये अगर आप एक स्फेरिकल चीज है तो इसको अगर आप मुख्तलिफ एक कर्नेटो की जैसे कोन होती है वो कोन आप इकट्ठी करते जाएं तो आई थिंक स्फेरिकल ही बनेगा ना, एक कॉमन सेंस से भी आपको पता चल। तो सेम कैसे वो होगा, उसमें अगर ये सरफेस एरिया अगर इस चीज का ज्यादा होगा नीचे वाली एरिया कम होगा तो ये फिर कोन फॉर्मेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इस तरह की शेप बननी शुरू होगी, वो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये द कंसंट्रेशन एट विच दे आर फॉर्म्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सर्फेक्टेंट, किस कंसंट्रेशन पे जो बनेगा ये उस सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्रिटिकल माइसल फॉर्मेशन के कहाँ पर वो जाके होगी। सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर के बारे में आयनिक नॉन आयनिक उस दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। आयनिक सर्फेक्टेंट्स एक्चुअली ओनली फॉर्म माइसल्स व्हेन देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स आर सफिशेंटली फ्लूड। सफिशेंटली फ्लूड का मतलब है टेम्परेचर दैट इज एट टेम्परेचर अबव देयर चेन मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी कि उसके बाद उनका जो चेन है उस टेम्परेचर से अगर ऊपर लेके जाए तो मेल्ट होनी शुरू हो जाए। आपको इतना तो पता है कि वो फैटी एसिड बेस होती है ना चेन, ठीक है, हाइड्रोफोबिक वही है ना, ये जो फैट्स एंड ऑयल्स वाली प्रॉपर्टीज, वो हाइड्रोफोबिक चेन होती है, वो मतलब पानी को लविंग नहीं होती, हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है, इसी को क्राफ्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन है कि उससे अगर टेम्परेचर ऊपर लेके जाएंगे तो वहां पर वो मेल्ट हो जाएगी। तो वो सफिशेंटली फ्लूड मतलब सॉलिड और उसके एक तरह के दरमियान, मतलब उस टेम्परेचर पे जाके वो उसकी चेंज होनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी जो फिजिकली अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाती है। तो एक्चुअली फॉर्म माइसल व्हेन देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स आर सफिशेंटली फ्लूड दैट इज एट टेम्परेचर अबव देयर क्राफ्ट मेल्टिंग टेम्परेचर बिलो अ स्पेसिफिक टेम्परेचर for a given surfactant, the craft temperature, the surfactant become insoluble rather than self-assembled. The craft temperature वहाँ पर insoluble होता है, और जैसे ही हम उससे हमारा change होता है phase, तो वहाँ पर है सी टाइप की example दी हुई है, वो 20 degree centigrade पे अपनी जो phase change उसका आना शुरू हो जाता है। सी टाइप ये cationic surfactant की बात करें, ठीक है, ये जिसका formula यहाँ पर लिखा है। तो लॉन्गर द हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ द हायर द क्राफ्ट टेम्परेचर, तो क्राफ्ट टेम्परेचर
उतना ही ज्यादा होगा जितनी उसकी चेन लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, चेन लेंथ कौन सी? ये वाली हाइड्रोफोबिक चेन, ये ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से अगर हम कोल्ड लो टेम्परेचर सर्फेक्टेंट या डिटर्जेंट हम बनाएंगे तो उसमें फिर हम इस चेन लेंथ को छोटा रखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम डिटर्जेंट बनाते हैं कि किस टेम्परेचर पे काम करेगा, ये वो वाली प्रॉपर्टी। तो जैसे घरों के डिटर्जेंट होते हैं, वो आपको पता है गर्म पानी तो नहीं कोई यूज़ करता, तो वहाँ पर ठंडे पानी में ही वो परफॉर्मेंस देने वाले डिटर्जेंट होते हैं। लेकिन हम अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर पे भी काम होता है, क्योंकि 80 डिग्री टेम्परेचर और इस तरह से बहुत सारे टेम्परेचर होते हैं जिसपे वो वर्किंग करते हैं, तो वो भी देखना होता है हमें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसकी अगर लेंथ शॉर्ट कर देंगे तो टेम्परेचर उसका लो हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्गर द हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ द हायर द क्राफ्ट टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन शॉर्ट चेन लेंथ सर्फेक्टेंट्स आर ब्रांच चेन सोप्स आर यूज फॉर कोल्ड वाटर डिटर्जेंट फार्मुलेशन। या ब्रांच होगी उसकी तब भी, मतलब लेंथ छोटी होगी लेकिन एरिया उसका ज्यादा होगा। या अगर मैं फार्मूला दिखाऊंगा तब आपको सही समझ आएगी इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट सफर द, ये नॉन आयनिक में ये बात उल्टी होती है। ठीक है, एंड बिकम इनसॉल्युबल विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वहां पर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो इनसॉल्युबिलिटी की तरफ जाता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो वो सॉल्युबिलिटी की तरफ जाता है, यहाँ पर इनसॉल्युबिलिटी की तरफ जाता है, यानी कि सॉल्युबल नहीं होता। दिस इज बिकॉज देयर पोलर हेड ग्रुप बिकम्स लेस हाइड्रोफिलिक विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों होता है कि उसमें जो जो पोलर हेड है ये टेम्परेचर बढ़ने से इसकी पोलैरिटी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेस हाइड्रोफिलिक विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। एंड अ क्लाउड पॉइंट इज रीच्ड वेयर दे प्रेसिपिटेट फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, वो मतलब खराब होना शुरू हो जाते हैं उस तरह से। अच्छा जी, सेल्फ असेंबली डिपेंड्स अपॉन कंपीटिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ये वो तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर सेल्फ असेंबली मैटर करती है, कि आपस में जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, जो चेन है और उसका सर्फिस एरिया, फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द चेन, चेन कितनी फ्लेक्सीबल है या कितनी ब्रांच्ड है जो हाइड्रोफोबिक चेन है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से, जो मतलब एक ये पूरा एक मॉलिक्यूल है ये वाला, एक पूरा ये लाइन और ऊपर ये उसका हेड, हेड और चेन ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसा है, और आपस में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ये जैसे चेन है ब्रांच है, ये जैसे ब्रांच बनी हुई है तो इस यहाँ से भी तो ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे ना, ये बिल्कुल एक्सटेंडेड फॉर्म में तो नहीं होती बिल्कुल सीधी, इन चीजों पे भी ये चीज मैटर करती है। अच्छा जी ठीक है, द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव हाइड्रोफोबिक फोर्सेस बिटवीन द हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल में जो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस के आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि कितनी अट्रैक्शन आपस में, द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज्ड हेड ग्रुप, चार्ज हेड ग्रुप है तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो वहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन काफी उसके मैग्नीट्यूड पे भी ये चीज मैटर करती है। एंड द हेड ग्रुप हाइड्रेशन इफेक्ट, और जो हेड ग्रुप है उसका हाइड्रेशन इफेक्ट, मतलब वाटर के साथ जो हाइड्रेशन उसकी कितनी है वो कैसे होगी, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी हो सकती है, और कितना वो वाटर लविंग है, इन चीजों पे ये चीज उसकी उसका आर्किटेक्ट और स्टेबिलिटी मैटर करती है, क्रिटिकल माइसल फॉर्मेशन या क्रिटिकल उसका जो किस तरह से वो बन रहा है माइसल उस पर मैटर करती है, उसकी शेप कैसे बन रही है। पॉसिबल स्ट्रक्चर कैन बी मॉडल्ड सिंपली बाई यूजिंग द सर्फेक्टेंट्स, कैलकुलेट हाइड्रोकार्बन चेन वॉल्यूम और उसका हेड ग्रुप एरिया, उसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां से हमें पॉसिबल स्ट्रक्चर का पता चल जाता है, ये जो माइसल फॉर्मेशन हो रही है वो किस शक्ल में बनेगी। एंड आयनिक सर्फेक्टेंट हेड ग्रुप एरिया कैन आल्सो बी वेरीड बाय द एडिशन ऑफ स्क्रीनिंग इलेक्ट्रोड, अब आपको बता रहे हैं कि कैसे सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टीज को चेंज किया जा सकता है। जैसे हम कोई भी डिटर्जेंट बनाते हैं, हमें उसकी खास प्रॉपर्टीज लेनी है, तो हम उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उससे प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप उसका जो हेड ग्रुप एरिया है, जो चार्ज स्पीशीज है, आयनिक सर्फेक्टेंट की बात हो रही है, उसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं,
कुछ खास किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स की बेस पे। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तभी वो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसमें आयनिक स्पीशीज है और हेड ग्रुप भी आपको पता आयनिक होता है, तो इनके इंट्रैक्शन से भी उसके अंदर हम चेंज ला सकते हैं। ठीक है, हेड ग्रुप का जो एरिया है विच हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द हेड ग्रुप एरिया एंड हेंस कैन ड्रामेटिकली चेंज इट्स एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज हो सकती है। ये एक तो ये तरीका है कि उसके हेड ग्रुप एरिया को हम रिड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। दूसरा को सरफेक्टेंट, ये अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, को सरफेक्टेंट भी इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी पैकिंग जो होती है, क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर जिसको हम चेक करते हैं, वो हम आगे यहाँ पे अब पढ़ने लगे हैं, क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर, उस पैरामीटर को कैसे वो पैकिंग को चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर ये कैलकुलेशन है जिसकी बेस पे हमें पता चलता है कि उसकी किस तरीके की शेप है। वी ओवर ए नॉट एल सी, ठीक है, ये उसके ऊपर पे वी नॉट है, वी है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द हेड ऑफ कार्बन चेन। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि इस रीडिंग की वैल्यू अगर हाइड्रोकार्बन चेन लंबी होगी, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, लंबी तो सॉरी लेंथ होती है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये रीडिंग जो है बढ़ती जाएगी, और नीचे वाली चीज अगर बढ़ेगी तो ये रीडिंग कम होती जाएगी। नीचे वाली रीडिंग क्या है, ए नॉट, ये हेड ग्रुप एरिया, यानी कि अगर हम हेड ग्रुप एरिया बढ़ाते जाएंगे तो इस की रीडिंग डाउन होती जाएगी। एल सी जो है वो उसकी लेंथ है हाइड्रोफोबिक चेन की, ठीक है, अगर लेंथ ज्यादा होगी तब भी ये रीडिंग कम होगी, सरफेस एरिया चार्ज जो ऊपर वाला एरिया है उसकी अगर एरिया बढ़ता जाएगा तब भी ये रीडिंग कम होगी, या उसका जो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तब भी ये रीडिंग बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम कम होता जाएगा तो रीडिंग कम होगी। तो ये एक आपको सिंपल मैथ है कि जो तीन चीजें अगर हमने लिखी हुई हैं ऊपर नीचे, तो रीडिंग बढ़ाने के लिए ऊपर की रीडिंग बढ़ेगी और रीडिंग कम करने के लिए नीचे की रीडिंग बढ़ेगी। तो V इज द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन है, ये ऊपर वाला। एल सी इज द क्रिटिकल चेन लेंथ अज्यूम टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल मैक्स द फुली एक्सटेंडेड चेन लेंथ, यानी कि ये हम जो लेंथ है ये हम अज्यूम करते हैं ये फुल एक्सटेंडेड लेंथ है, यानी कि मुड़ी हुई नहीं है बल्कि उस तार को सीधा करके अगर हम उसकी लेंथ लेंगे तो ये हम तकरीबन उसी को, क्यों, उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास फार्मूले में तो होता है कि कितने कार्बन की चेन है, फॉर एग्जाम्पल 17 कार्बन की चेन है तो हम टेढ़े मेढ़े से कैलकुलेशन तो नहीं करते, हमें एक पता होता है इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है तो एक कार्बन से दूसरी कार्बन का डिस्टेंस कितना है, तो हमें ये लेंथ मिल ही जाती है, तो हम उस कैलकुलेशन में जाते हैं जो मैक्सिमम लेंथ की तरफ जाती है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो लेंथ है ये वही एल सी जो है ये, वैसे तो आजकल आ गई हैं टेक्निक्स ना, एक्चुअल लेंथ पता चल जाती है अगर वो थोड़ी सी सीधी करके नहीं भी है ना, तो हम ये तो पहले ये पुराना मतलब एक था फार्मूला जिसमें ये चीजें उन्होंने, ये इतनी मतलब ये लेटेस्ट नहीं है चीज, ये वाला फार्मूला ये काफी देर पहले का है। तो एक्सटेंडेड चेन लेंथ, दूसरा ए नॉट इज द हेड ग्रुप एरिया, ठीक है, ये आपको तीनों का पता चल गया। अब ये उसकी कैलकुलेशन है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये उसका फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हुआ है, ठीक है, 27.4 प्लस 26.9 n, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये वही बात जो मैंने अभी की थी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से भी हमें चेन लेंथ का पता चलता है, तो नंबर कितने कार्बन की चेन है वो वहां पर नंबर ऑफ 17 कार्बन वाली 15 कार्बन वो बोल जाइएगा, और m इज द नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, चेन नंबर ऑफ चेन्स कितनी है, फॉर एग्जाम्पल ये तो एक चेन के अंदर कितने एटम्स हैं, एक चेन के अंदर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन सिंगल चेन, और नंबर ऑफ चेन्स टोटल कितनी है वो टोटल से फिर उसको जरब दे देते हैं, एंगस्ट्रम क्यूब, एंगस्ट्रम आपको पता है लेंथ का यूनिट है, ठीक है, और तीन लेंथ का, चूंकि एंगस्ट्रम छोटा यूनिट है इसका मतलब ये हमारी कैलकुलेशन बड़े स्मॉल स्केल पे जाएगी ना, हम इसको मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में तो वो 10^-5 में जानी शुरू हो जाती है, इसलिए हमने इसको एंगस्ट्रम में लेते हैं, एंगस्ट्रम मीन 10^-10 होता है, और उसका फिर क्यूब, ठीक है, लेंथ आपको पता वॉल्यूम जो है वो लेंथ का उसकी पावर 3
होती है। लेंथ का यूनिट आपको पता है एंगस्ट्रम ही होगा, ठीक है। एल मैक्स एक्सटेंडेड लेंथ जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 1.5 प्लस 1.265 एन, एन अगेन वही है नंबर ऑफ कार्बन इन अ सिंगल चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। ये उनका फार्मूला निकालने का तरीका। और ऊपर जो है अब हमारे पास ये फार्मूला है उसका क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर का। अब आ जाते हैं हम शेप की तरफ कि शेप जो माइसिल की बनेगी वो कैसी बनेगी। अगर तो इस फार्मूले से जो रीडिंग आई है वो 1/3 से छोटी है तो स्फेरिकल माइसिल फॉर्मेशन होगी। ये आगे शेप्स है, मैं आपको यहां से भी इस चीज को दिखा देता हूं, ठीक है। और अगर इस फार्मूले की रीडिंग जो है वो 1/3 और 1/2 के दरमियान में आती है तो पॉलीडिस्पर्स सिलेंड्रिकल माइसिल फॉर्मेशन होगी। और अगर इसकी रीडिंग 1/2 और 1 के दरमियान होगी तो फिर वेसिकल ऑब्लेट माइसिल और बाइलेयर, ये कैसी शेप्स हैं ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और अगर 1 से बड़ी रीडिंग है तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, मतलब उलट जाएगा, जैसे स्फेरिकल थी ना, स्फेरिकल में क्या था, हाइड्रोफोबिक नीचे था अंदर की साइड पे और हाइड्रोफिलिक एंड था आपका ऊपर पे, तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। द क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर इज अ यूजफुल पैरामीटर इन एग्रीगेट डिजाइन एज इट कैन बी चेंज फॉर अ गिवन आयनिक सरफेक्टेंट बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वही बात दोबारा लिखी हुई है, एडिशन ऑफ कोसरफेक्टेंट ये बता चुके हैं, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन काउंटर आयन, काउंटर आयन मीन जैसे सोडियम है इसका काउंटर आयन क्लोराइड है, तो आपको पता है चार स्पीशीज है तो काउंटर आयन से भी इसकी मतलब चेंज करने से कंसंट्रेशन हम उसको मतलब उसको न्यूट्रलाइज करते जाएंगे, ठीक है, काउंटर आयन से तो वो कम होता जाएगा सरफेस एरिया। इंसर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड आप ब्रांच चेन, उसकी जो चेन है वो ब्रांच में कन्वर्ट करते जाएंगे या अनसैचुरेशन से जो हाइड्रोफोबिक चेन की बात हो रही है, ठीक है, उसको उसके अंदर भी चेंजेस हम ला सकते हैं। ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये भी हाइड्रोफोबिक चेन के अंदर ही टेम्परेचर लाएगी। एडिशन ऑफ कोसरफेक्टेंट और ये बाकी चीजें, मतलब कोई उसके सरफेस पर चेंज ला रहा है कोई उसकी चेन में चेंज ला रहा है, तो दोनों चीजों की चेंज करने से क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर चेंज होते रहते हैं, हम कर सकते हैं ये, मतलब हम प्ले करते हैं। जो मुख्तलिफ टाइप्स के डिटर्जेंट हम बनाते हैं तो उसमें इंडस्ट्रियल, अभी आप इंडस्ट्री में नहीं गए, अभी आपको जस्ट घर में जो सर्फ वगैरह अपना जो आप यूज करते हैं आपको उसका पता है। इंडस्ट्री में मल्टी टाइप्स के सर्फेक्टेंट होते हैं, जैसे मैं अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पर कटाइनिक सर्फेक्टेंट, एनाइनिक सर्फेक्टेंट, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट और उनकी फिर आगे केमिस्ट्री है, फिर क्या है ये लो फॉर्मिंग डिटर्जेंट है, ये हाई फॉर्मिंग डिटर्जेंट है, ये हाई टेम्परेचर का है, ये लो टेम्परेचर का है, ठीक है, फिर ये जो है जी सर्फेक्टेंट है ये उसका स्टेन रिमूवर है, ये स्टेन्स को भी उतार देता है, ये सादा है, ये सॉल्वेंट बेस है, ये फलाना टमकाना, इस तरह के बहुत टाइप्स होती हैं इनकी सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट। अब आ जाते हैं वही जो बात यहाँ पर एक्सप्लेन की है वो, ये मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप आराम से कुछ नजर आ जाए, ये देख लें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको इंग्लिश भी नजर आ जाएगी, लिपिड वाला जो एरिया है, सिंगल चेन लिपिड विद लार्ज हेड ग्रुप एरिया, लिपिड का मतलब नीचे वाला जो हाइड्रोफोबिक एरिया ना उससे मुराद है, ठीक है। और अगर इसकी रीडिंग 1/3 से नीचे होगी तो आपको बताया जैसे ये कोन है तो कोने आपस में जुड़ती जाएंगी तो स्फेरिकल माइसिल फॉर्म, स्फेरिकल में हमें जो पिक्चर दिखाई हुई है ये 2D पिक्चर है, ठीक है, 3D में ये पूरा कवर होता है, जैसे गेंद होता है ना फुटबॉल की तरह से, ये उस तरह से कवर होती है, ये इस तरह से स्फीयर का मतलब सर्कल नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये स्फेरिकल है, ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए इस तरह से, अदरवाइज ये ऊपर से भी कवर है नीचे से, फुल फुटबॉल बना हुआ है, यानी कि उसके फुटबॉल के सेंटर में ये वाली कोन की नोक है और ऊपर वाला पूरा जो आपको सरफेस एरिया फुटबॉल का नजर आ रहा है वो इस तरीके से है। और यहां से भी पिक्चर से भी आइडिया हो रहा है कि यही पिक्चर बनेगी अगर इसकी जो एक क्रिटिकल पैकिंग शेप जो है वो अगर इस कोन फॉर्मेशन में है तो हमारे पास स्फेरिकल माइसिल ही बनेगा, ये लॉजिकली भी यही लग रहा है। और ये कैसे होगा अगर रीडिंग 1/3 से नीचे होगी, 1/3 से नीचे से क्या मुराद है, ये नीचे वाली रीडिंग ज्यादा है ऊपर वाली कम है, ऊपर क्या है वॉल्यूम, ठीक है, और नीचे क्या है A0 ये है, ठीक है, और LC यानी कि ये ज्यादा होगी और लेंथ ज्यादा होगी तो ये कौन फॉर्मेशन में जाएगा, ठीक है, लॉजिकली मैं आपको फार्मूले से भी समझा रहा हूँ।
ठीक है, सरफेस एरिया बड़ा होगा और ये लेंथ उसकी चेन की ज्यादा होगी तो कोन फॉर्मेशन में जाएगी, और ये चीज जो है वॉल्यूम इसका कम होगा, यानी कि ये कंपैक्ट फॉर्म में या ब्रांच फॉर्म में, या ये ऊपर को होगा, ऊपर की तरफ जा रहा, मतलब छोटा होगा। अगर ये बड़ा होता जाएगा ये, या ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, अब ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ गया, ये वाला जो एरिया कोन के अंदर वाला है, और यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, कोन की जो नोक थी वो भी थोड़ी सी इस तरह से फैलती गई, ठीक है। अगर ये रीडिंग 1/3 और 1/2 के दरमियान हो, अच्छा ये साथ उसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, सोडियम डोडाइल सल्फेट इन लो साल्ट एंड सम, ये क्या लिखा हुआ है, एंड सम लाइसो फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये साथ उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि कौन कौन सी इसकी साथ एग्जाम्पल्स हैं, और लिपिड में क्या है, सिंगल चेन लिपिड, यानी कि सिंगल चेन का क्या मतलब है कि ये लेंथ जो है अपना, ये वाला वॉल्यूम कम है, सिंगल चेन है, जितनी जैसी ब्रांच चेन बनती जाएंगी या यहाँ पर नंबर ऑफ चेन्स बढ़ती जाएंगी तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो चूंकि ये वॉल्यूम हमने कम रखना तो हमने इसको सिंगल चेन लिपिड की तरफ लेके गए, लार्ज हेड ग्रुप एरिया, ऊपर वाला जो एरिया है वो बहुत बड़ा बना दिया ताकि ये कोन फॉर्मेशन में जाए। तो जो रेगुलर हमारे सोडियम डोडाइल सल्फेट आपको उसमें भी आपने पढ़ा, एनायनिक सरफेक्टेंट की ये प्रॉपर्टी है, एनायनिक सरफेक्टेंट जो है ये अल्कलाइन पीएच पे बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, और ज्यादातर हमारे इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है वो एनायनिक या हम एम्फोटेरिक की तरफ जो लेके जाते हैं उन सरफेक्टेंट्स को, यानी कि हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर देखें, या हम ये मतलब ये वाले जो स्फेरिकल माइसल फॉर्मेशन है ये समझ लें, ये अभी तक के बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बेस्ट यही होते हैं जो हम नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज करते हैं, हमारा इसमें फायदा ही है, हर तरह से सफाई भी हो जाती है, अल्कलाइन पीएच पे ये मतलब काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। अल्कलाइन पीएच पे क्यों, हमारे जो टेक्सटाइल के डिटर्जेंट में सब काफी सारे प्रोसेस हैं, ब्लीचिंग प्रोसेस है, अल्कलाइन पीएच पे होता है, इसलिए हम इसको वहां पर यूज करते हैं, और हमारे पास अगर मतलब इस तरह से जो मोस्टली टेक्सटाइल डाइंग के प्रिंटिंग के प्रोसेस हैं वो अल्कलाइन पे ही होते हैं, हमारे जो पाकिस्तान में भी यूज होते हैं, वैसे भी कॉटन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉटन की अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो वो सारी अल्कलाइन साइड पे ही जाती है। अच्छा जी, दूसरा अब आ जाते हैं सिंगल चेन लिपिड विद स्मॉल हेड ग्रुप, यानी कि चेन सिंगल ही है लेकिन ऊपर का एरिया हमने कम कर दिया, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल में भी सोडियम डोडाइल सल्फेट इन हाई साल्ट, यानी कि अब आप यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर लो साल्ट और हाई साल्ट, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम साल्ट या काउंटर आयन ऐड करेंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हाई साल्ट कंसंट्रेशन से ये सरफेस एरिया उसका कम हो गया, जो बात हमने पहले भी एक्सप्लेन की थी, जैसे यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज इन काउंटर आयन, ठीक है, ये बात हमने की थी, यहाँ पर भी वही बात हमने, ये देखें कैन बी वेरीड बाय द एडिशन ऑफ स्क्रीनिंग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हेड ग्रुप एरिया यहाँ पे हमने बात की थी, तो ये वही बात अब यहाँ पर आ गई आपके सामने, अब आपको इसकी ज्यादा समझ आएगी, ठीक है, तो अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा, लेकिन अगर आप देखें गौर करें तो चेन लेंथ वही है, हमने सिर्फ क्या किया है साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब इसके मैं आपको क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि कल को आप इंडस्ट्री में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं, आपको कोई डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाता है तो आपको पता हो कि हमने प्ले करना है तो कैसे करना है, ये बेसिक केमिस्ट्री अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह कभी भी इंडस्ट्री में जाके, इतना डेप्थ में अगर आपने स्टडी किया होगा तो ये समझ लें उसकी असल केमिस्ट्री का नॉलेज है डिटर्जेंट और उसका, और ये अगर आपको आता होगा तो आप इंशाल्लाह ताला आपके लिए प्ले करना मुश्किल नहीं होगा, आप किसी भी सरफेस टेंशन को रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट को कहे जी हमें इतना हाई साल्ट कंसंट्रेशन का डिटर्जेंट बना के दें, अब आपको कोई कहता हाई साल्ट कंसंट्रेशन का डिटर्जेंट बना के दे, आपको पता है कि ये माइसल सफेरिकल से इधर जाना शुरू हो जाएगा, तो आप हेड ग्रुप एरिया उतने बड़े साइड पे जाना, आप इस पर रिसर्च करेंगे कि इसको कितना बड़ा किया जाए कि ताकि अगर साल्ट ऐड भी किए जाए तो इतना फर्क ना पड़े, ठीक है, इस तरह की बहुत सी चीजें फिर आपके दिमाग में खुद आनी शुरू होंगी जब आप रिसर्च की तरफ जाएंगे, ठीक है, एंड और ये दूसरा नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, ये तो था आपको पता था एनायनिक था कैटायनिक, मतलब आयनिक सरफेक्टेंट में ये वाली प्रॉपर्टी, और ये नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में ये चीज आनी शुरू हो जाती है, मतलब इतना ज्यादा वो चार्ज स्पीशीज नहीं होती, ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये स्फीयर बना था, ये सिलेंड्रिकल और
ग्लोबुलर माइसिल फॉर्मेशन है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो है, तो काम तो चला ही रहा है उसी तरह से, लेकिन ये सिलेंडर फॉर्मेशन में बन गया बजाय इसके कि ये एक फुटबॉल बनता, तो ये सिलेंडर बन गया। लेकिन सिलेंडर बनने के बावजूद भी अगर आप देखें तो इसका जो चार्ज एरिया है वो बाहर की तरफ ही है, ठीक है। तो मतलब नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट या जो हाई कंसेंट्रेशन सॉल्ट में भी ये परफॉर्मेंस इनकी ठीक ही होती है, यानी कि ये रीडिंग अगर 1/3 से नीचे हो या 1/3 या 1/2 से दरमियान हो तब भी तकरीबन इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक मिलती जुलती रहती हैं। या हम समटाइम ऐसा डिटर्जेंट बनाते हैं जो हाई साल्ट कंसेंट्रेशन पे भी काम करे, तो वो फिर सिलेंडर फॉर्मेशन में भी तो चला गया, लेकिन काम तो किया उसने, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हमें, ये सारी वेरिएशंस देखनी पड़ती हैं। अब आगे आ जाते हैं डबल चेन। अब हमने क्या किया, अब हमने चेन बढ़ा दी। अब चेन बढ़ाने का क्या मतलब है, हमने क्या बढ़ाया, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाने का क्या मतलब है, हमने ये ऊपर वाली रीडिंग बढ़ा दी, ये जो क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर का जो ऊपर वाला है वी, हमने वी बढ़ा दी। वी बढ़ाने से रीडिंग बढ़ेगी, जाहिर है ये पहले छोटी रीडिंग थी तो अब बड़ी रीडिंग की तरफ होना शुरू हो जाएगी। तो डबल चेन लिपिड्स विद लार्ज हेड ग्रुप एंड फ्लूड चेन, ठीक है, इसकी भी ये एग्जाम्पल दी हुई है। और साथ अब यहाँ पर उसकी शेप चेंज होनी शुरू हुई, फ्लेक्सीबल बाइलेयर वेसिकल फॉर्मेशन की तरफ चला। अब यहाँ पर देखें तो नीचे से भी उसका एरिया बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ पर कोन फॉर्मेशन में पॉइंट था, यहाँ बढ़ा, यहाँ और बढ़ गया। अब ये और बढ़ गए तो फिर ये तकरीबन सिलेंडर ही बन गया, ठीक है। तो ये तकरीबन एक के करीब अगर वैल्यू होगी तो ये तकरीबन बराबर होगा इस तरह से, ठीक है। डबल चेन लिपिड विद स्मॉल हेड ग्रुप एरिया एनायनिक लिपिड्स, ठीक है, हाई साल्ट सैचुरेटेड फ्रोजन चेन, ठीक है, उस शक्ल में भी ये इस तरह के फॉर्मेशन में चला जाता है। और ये प्लेनर बाइलेयर फॉर्मेशन में चला जाता है। इन्वर्ट कब होगी, जब नीचे का एरिया बढ़ जाएगा ऊपर का एरिया कम हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन वन पे वैल्यू चलेगा। डबल चेन लिपिड हैविंग स्मॉल हेड ग्रुप, तो तब ये इन्वर्ट में चला जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, जैसे माइसिल फॉर्मेशन आपको बताया था कि वो उल्टी हो जाती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं सर्फेक्टेंट का। जो हाइड्रोफोबिक ऑयल फ्रॉम द फाइबर यूजिंग डिटर्जेंट बिकॉज ऑफ द सर्फेक्टेंट द फैटी मटीरियल द डर्ट ऑफन फ्रॉम ह्यूमन स्किन, ठीक है, फैटी मटीरियल अगर होगा आर रिमूव्ड फ्रॉम सर्फेसिस सच एज क्लॉथ फाइबर एंड डिस्पर्स्ड इन वाटर, वो वहां से उतार के हमने पानी में डिस्पर्स करना है, तो उसके लिए ये चीजें यहाँ पर काम आती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सर्फेक्टेंट द फैटी मटीरियल, अच्छा ये हो गया बात, एड्सॉर्प्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट बोथ ऑन द फाइबर एंड ऑन द ग्रीस इटसेल्फ इंक्रीज द कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ द लेटर। कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है, सरफेस के साथ जो पानी का लेवल बनता है वो कॉन्टेक्ट एंगल है, कि जो वाटर आपके अंदर कितनी एब्जॉर्बेंसी बढ़ाता है। आपको पता है जितना ज्यादा फैब्रिक से ग्रीजी मटेरियल उतर जाएगा, फैब्रिक से या आपकी स्किन से, ये कपड़े जब आप डिटर्जेंट से साफ करते हैं, उतना ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो ये पहली पिक्चर में देखें तो पानी अंदर जज़ब हो गया, इसमें ऊपर है, यहाँ पर इस फॉर्म में है, तो ये इस तरीके से इसकी वो चेंज होती रहती है। एड्सॉर्प्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट बोथ ऑन द फाइबर, ये फाइबर है, एंड ऑन द ग्रीज इटसेल्फ, ये ग्रीजी मटेरियल को लेके किस तरीके से वो जा रहा है। ये एक द कंपोजिशन ऑफ अ टिपिकल पाउडर लॉन्ड्री डिटर्जेंट इज गिवन, ये अगर एक आम तरह का डिटर्जेंट है उसकी एक रेसिपी दी हुई है, ये पुरानी किसी बुक में थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस आप कर सकते हैं। सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोन, जो घर में अगर आपने डिटर्जेंट बनाना हो तो अगर आप ये चीजें डालेंगे तो भी अच्छा बन जाएगा। एनहाइड्रस सोप, सोडियम ट्राईपोलीफॉस्फेट, ये एक तरह का वो है सर्फेक्टेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को उसमें से निकालता है। आर पाउडर जियोलाइट 30%, यानी कि ये बहुत ज्यादा अगर सर्फिस्ट, यानी कि अगर आपकी वाटर हार्डनेस कम है तो तब भी
काफी हद तक सर्फेक्टेंट कम यूज होगा। वाटर हार्डनेस जो है वो आपको पता है, वो आपने लास्ट टाइम जब हार्डनेस का टॉपिक पढ़ा उसमें ये था कि वो फुटकड़ियां बनाता है साबुन की ना, तो उसमें इतना ज्यादा उसकी सरफेस टेंशन रिमूव नहीं करने देता। तो हार्डनेस के लिए ये डाला गया सोडियम सिलिकेट कार्बोनेट अल्कलिनिटी के लिए, अल्कलाइन पीएच पे ये उसके साथ रिएक्शन होता है। और किसका अनम्यूट हो गया? अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा तो ये एक जनरल सी रेसिपी दी हुई है और इसको आप प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं। ये जो ऑप्टिकल ब्राइटनर लिखा हुआ है, ये एक ऑप्टिकल ब्राइटनर होता है, ये हम कपड़े में अंदर जो वाइट कपड़े जो हम यूज करते हैं उसके लिए होता है कि उसके अंदर कितनी वो एक शाइन सी। और ये बेसिकली अगर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में देखें तो ऑप्टिकल ब्राइटनर डालने से वो एक आपको पूरी सरफेस वायलेट सी नजर आएगी। तो ये वाटर एक तरह की डायरेक्ट डाई होती है, परफ्यूम भी यूज होते हैं, इस तरह से बहुत सी चीजें हम इसमें यूज करते हैं। नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, द फर्स्ट टू कंपोनेंट्स आर द एक्टिव सर्फेक्टेंट, जो एक्टिव सर्फेक्टेंट के तौर पे द पॉलीफॉस्फेट चिलेट कैल्शियम मैग्नीशियम आयन विच आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, जियोलाइट पाउडर्स आर ऑफन यूज्ड टू रिप्लेस फॉस्फेट, फॉस्फेट की बजाय आप जियोलाइट पाउडर भी यूज करते हैं, सोडियम सिलिकेट इज एडेड एज अ क्रोजन इनहिबिटर फॉर वॉशिंग मशीन एंड ऑल्सो इंक्रीज द पीएच। तो मशीन के अंदर कैल्शियम अपना अगर क्लोरीन बेस होगी डिटर्जेंट जो हम यूज करते हैं क्लोरीन से बहुत सी करते हैं, तो वो आपको बताया था स्टील को खा जाता है, तो सोडियम सिलिकेट उसकी हिफाजत के लिए होता है, थोड़ा सा उसको बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन ये भी अगर मैं इसकी और प्रॉपर्टी बताऊँ जो यहाँ पे नहीं लिखी, तो फैब्रिक हार्श कर देता है, थोड़ा सा ना फैब्रिक हार्श सा हो जाता है, सॉफ्ट नहीं इतना रहता मतलब, तो इसकी वजह से ये उसका फैब्रिक पे नुकसान बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ हो, लिख दूंगा खैर यहाँ पे भी जब मैं आपको देता हूँ, तो मैंने अभी कुछ इसमें चेंज करना था। और आल्सो इंक्रीज द पीएच, पीएच भी वो बढ़ा देता है, पीएच बढ़ाने का मतलब है अल्कलाइन साइड पे ले जाता है। द पीएच इज मेंटेन्ड एट अबाउट 10 बाय द सोडियम कार्बोनेट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वॉशिंग के प्रोसेस हैं वो हम अल्कलाइन पीएच पे करते हैं, तो इसलिए सोडियम कार्बोनेट जो है वो हम उसमें यूज करते हैं। इसमें हम अगर और ज्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं और कास्टिक सोडा भी यूज, कास्टिक सोडा बहुत ज्यादा हैवी है, वो कपड़े के लिए आपके हाथ के लिए नुकसान है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। और अगर हम बेकिंग सोडा यूज करेंगे वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसलिए हम ज्यादातर सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश को ही यूज करते हैं। एट लोअर पीएच वैल्यूज द एसिड फॉर्म ऑफ द सर्फेक्टेंट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लो पीएच पे क्या होगा कि सर्फेक्टेंट की एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इन मोस्ट केसेस दीज आर आइदर इनसॉल्युबल और मच लेस सॉल्युबल देन द सोडियम साल्ट। तो सोडियम साल्ट फॉर्मेशन में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर वो सोडियम साल्ट फॉर्मेशन में नहीं है, जैसे मैंने आपको EDTA की एग्जाम्पल दी थी जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था वाटर हार्डनेस का, तो मैंने भी उस वक्त भी आपको याद होगा मैंने कहा था इसकी अल्कलाइन पीएच पे हम करते हैं और इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट है वो सोडियम साल्ट फॉर्मेशन में जाता है, तो तब वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो साल्ट फॉर्मेशन आयनिक फॉर्म में ये अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं रादर देन के वो अपनी एसिडिक फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसको हम सॉल्युबल, वो क्योंकि वो लेस सॉल्युबल हो जाएगा या इनसॉल्युबल हो जाएगा। सोडियम सल्फेट इज एडेड टू प्रिवेंट केकिंग एंड इंश्योर फ्री फ्लोइंग पाउडर, फ्री फ्लोइंग पाउडर बने। ये मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ, आप घर में कहते थे समय अगर बाजार से सर्फ लाना है तो उसकी बजाय आप ये चीजें बाजार से ला के आप घर में आराम से बना सकते हैं, और बना के जो आपकी बचत होगी उसमें से फिर आप मेरा ख्याल कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सोडियम सल्फेट इज एडेड टू प्रिवेंट केकिंग एंड इंश्योर फ्री फ्लोइंग पाउडर, द सेलुलोज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव हाइड्रोफिलिक शीथ अराउंड डिस्पर्स डर्ट पार्टिकल। तो इसका जो फायदा है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का, ये थोड़ा सा हैवी मैक्रोमालिक्यूल फॉर्मेशन में होता है, ठीक है, तो ये डर्ट पार्टिकल्स को रीडिपॉजिट होने से बचाने के लिए उसमें हम यूज कर देते हैं। तो किसी के कोई क्वेश्चन करना हो इसके बारे में, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। मैंने तो अपनी तरफ से बड़ा प्यार से आहिस्ता आहिस्ता समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो डिटर्जेंट और सर्फेक्टेंट का आपको मैं वो समझाऊंगा, अब आपको ये समझ आ गई है बेसिक कंसेप्ट उसका माइसल फॉर्मेशन का कि बनता कैसे है,
उसकी शेप कैसे बनती है, उसके लिए फार्मूले क्या है, उसके लिए पैरामीटर क्या है, क्या हम उसका हेड ग्रुप एरिया देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं नीचे का, और चेन की लेंथ देखते हैं। ये तीन चीजों के ऊपर बेस कर रही होती, इसकी बेस पे फिर हम उसको माइसल फॉर्मेशन और जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालने से उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और इस तरीके से हमें ये चीजें मिलती हैं। इसके बारे में कोई शक व शुबे का इजहार को करना चाहे तो बताए, या आगे चले हम? सर, जो आपने वो कहा कि वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं, तो वो वॉल्यूम के लिए कुछ काउंटिंग लिखी हुई थी, फिफ्टी जी फाइव जी पॉइंट समथिंग, वो कहाँ जी से जी आई थी? वो मैंने वही वो वहां से ही आई है। इसके बारे में भी एक अलग से कैलकुलेशन है, जैसे मैंने आपको कल उसका बताया था, कौन सी हाँ कैलकुलेशन थी, जी, कोल में परसेंटेज थी जी, तो मैंने परसेंटेज थी आपसे ये सर। कहा था कि ये हम ये फार्मूला अगर आप मैं कहेंगे तो मैं आपको ये भी दे दूंगा कि कैलकुलेशन कहाँ से आई वो सारी, लेकिन ये मैं चूंकि थोड़ा सा रखा था तभी मैंने कहा था कि मैं इसको देख रहा हूँ कि इसमें कितना डेप्थ में लेगा, लेकिन ये काफी है अगर आप इतना फार्मूला भी याद रख लेंगे। अगर आप कैलकुलेशन कहेंगे तो वो भी मिल जाएगी, मेरे पास बुक है, मैं आपसे वो शेयर कर देता, तो उसमें सारा लिखा हुआ है और डिटेल के साथ उसको आपको मिल जाएगा, तो वह नेट पे भी मिल जाएगा कि इस फार्मूले की कैलकुलेशन, अगर आप जस्ट सिंगल क्लिक मारेंगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप पढ़ लें। मैंने आपको इसलिए नहीं किया कि आपका आपने पेपर भी देना है ना या ऐसा ओके नहीं हो कि सर, सर ने सर कितने केड़े चक्कर चपाता सर, तो ये बहरहाल उसकी कैलकुलेशन है, मैं आपको दे दूंगा अगर आप कहेंगे, अगर सारे अग्री हैं तो मैं समझा भी दूंगा उसकी। जैसे ये क्रिटिकल मार्जिन की अगर मैं आपको वैसे ये स्लाइड देता तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी थी, क्योंकि ये टेक्निकल थी ना सारी की सारी, तो उम्मीद तो है कि आप आहिस्ता आहिस्ता से देखें, मैंने पूरा घंटा लगा के पढ़ाया ताकि आपको ये CMC कार्बोक्सी मिथाइल, अपना क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल माइसल फॉर्मेशन, और जो इसके क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर से रिलेटेड जो नॉलेज है वो सब का सब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर आपको ये समझ आ गया और वो जो रेसिपी मैंने शेयर की है वो आपके लिए शेयर की है, उसमें आप बनाना चाहें तो आप घर में उनसे आगे पीछे करके काफी चीजें बना सकते, जैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम पानी अगर यूज करना चाहें हम घर में भी फिल्टर लगा लें, फिल्टर वाटर से हम ये जो डिटर्जेंट अगर आप गौर करें ना तो ये लिक्विड फॉर्म में बनाएं तो ज्यादा अच्छा बनता है। हमारी मार्केट में पाकिस्तान में रिवाज है पाउडर का, वैसे दुनिया में पूरी में ना लिक्विड को ज्यादा मतलब प्रेफर किया जाए, वैसे पाउडर भी मिलता है स्टोर से वहां पे, जैसे एक कंपनी टाइड है, टाइड का सो बहुत ज्यादा फेमस है यूरोप साइड पे, और हमारी इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो टेस्टिंग हम करते हैं फैब्रिक की डिटर्जेंट से मतलब डाल के उसके, हम एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं वॉशिंग फास्टनेस टेस्ट, तो उसमें भी वो रिकमेंड उस सोप को ही करते हैं कि इतना ये डालें सोप, ठीक है। तो उसके बदले में फिर हमने पाकिस्तान में और सोप हैं जैसे सर्फ एक्सेल के साथ हमने फिर सेटिंग की, जाहिर है यहाँ पे तो नहीं मिलता इंडस्ट्री वालों को इतना महंगा सोप, बल्कि मुझे याद है जब मैं निशात में था हम बाहर से टाइड सोप इम्पोर्ट किया करते थे, यानी कि हाँ हम टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हमारे बाहर की तरफ से रिकमेंडेड था कि इसके साथ चेक करें, वो भी क्यों करता था, वो भी मजबूर था बाहर क्योंकि उसके कस्टमर ये यूज करते थे, अगर उस सर्फ साबुन को यूज करने से उसके कपड़ों का रंग उड़ता है तो कस्टमर ने तो उसके स्टोर पे ला के उसके मुंह के ऊपर मारना है, क्या पाए अपनी टी शर्ट फोड़ो अपनी पैंट फोड़ो, है कि देता तो उसे सामने, तो उस चक्कर से बचने के लिए फिर वो उसके साथ ही फिर हमें रिकमेंड कर देते हैं। तो हम फिर पाकिस्तान, हम आपको पता है हम जुगाड़ तो लगाने होते हैं, तो हम फिर अपने हिसाब से भी सेटिंग करते हैं, कुछ डिटर्जेंट मार्केट से भी बनवा लेते हैं उसके काउंटर में, लेकिन जो ज्यादातर अब ट्रेंड है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मुझे मेरे जो दोस्त बाहर हैं, जो मैं खुद भी बाहर गया तो मैंने देखा है कि लिक्विड डिटर्जेंट का रिवाज है, पाकिस्तान में नहीं है इतना लेकिन होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसको चीज को बढ़ाना चाहिए।